सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जोर शोर से नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सुरेश कुठेत ने 50 पार्षद प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया। कार्यक्रम में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल, वरिष्ठ नेता संदीप शाह और जिलाध्यक्ष राजेश सोनी मुख्य तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सुरेश कुठेत ने कहा कि आप जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। बता दें, निकाय चुनाव में आपकी जीत होने पर दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर काम किया जाएगा। हमारे प्रत्याशी फॉर्म भरे थे, आवेदन दिए थे, उनका इंटरव्यू लिए हैं और ये जो आपने बताया जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले के आधार पर जो फिट बैठेगा, किसी भी जाति धर्म मजहब का होगा, उस सिंगरौली के हित में व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को देखते हुए टिकट पड़ने वाला भोपाल से वो आगे आने वाले दिनों में सर्वेक्षक जी भोपाल से जारी करेंगे और हम लोग जो भी प्रत्याशी होगा मेयर का पार्षद का उनके साथ काम करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। आपने जो समय दिया है यहाँ पे, हमारी दिल्ली से चलकर आए हैं कल सम्मानीय पर्यवेक्षक जी और यहाँ पे कई हर वार्ड से तीन चारों चार वार्ड से हो, हर वार्डों से हमारे यहाँ पार्षद संभावित आए, उन्होंने फार्म भरा था और यहाँ पे उनकी चर्चा हुई है और जैसे ही उनका फाइनल होगा तो वहां से फाइनल के यहाँ पे आएगा और कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी और यही सब हमारा कार्यकर्ता जनता ने बनाई थी भाजपा से त्रस्त होकर के। लेकिन 14 महीने बाद ही वो वापस भाजपा की सरकार आ गई। इसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मिली भगत से शिवराज की सरकार दोबारा से बनाई गई है। ये सारे लोग मिले हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।